has a very strong humanitarian tradition. Guru Nanak Dev Ji, even for those who are not too familiar, was in many respects the first environmentalist. अभी आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, 2030 एजेंडा की बात करते हैं, बट इफ यू लुक एट द गुरु साहिब टीचिंग्स एंड उस जमाने में ही वॉज एडवोकेटिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. गुरु महाराज वॉज ऑल्सो इन मेनी रिस्पेक्ट्स वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ gender equality and empowerment, and this is all enshrined in the teachings of the gurus. Aur jo prevailing bhavnaye hain, sentiments hain, I think in many respects those define Sikhism today. वांछकीय एंड सेवा, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी. मैं आपके अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, क्लोजर होम महामारी के दौरान ही नहीं, हमारे जो गुरुद्वारे हैं, हमारे जो ग्रुप्स हैं, ऑटोनोमसली उन्होंने सेवा की, लंगर सेवा की. पर उससे पहले जब मैं न्यूयॉर्क में पोस्टेड था, मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हेन वी वर ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंडिया वाज प्रिजाइडिंग, जब सीरिया और लिबिया में युद्ध हुआ, तो हमारे सिख जत्थे वहां पे भी पहुंच गए इन द मिडस्ट ऑफ द सिविल वॉर, और उन्होंने सेवा की. तो हमारा जो कनेक्शन है अपने गुरुओं के थ्रू हमारे गुरुद्वारा साहेब, सो तेरा स्वरूप या स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी के थे, सात मुझे लगता है पहले आ गए थे और तीन आज. आई हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद द सेरेमनी. मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में हमें कभी भी कोई डाउट नहीं था, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उनका जो पर्सनल संबंध है, उनकी कमिटमेंट है सिख कम्युनिटी को, सिर्फ यहां नहीं, सिख वर्ल्ड वाइड, इस स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं. आपको याद होगा करतारपुर साहब लहंगा और द कॉरिडोर की बात सदियों से हम सुने आ रहे हैं. जब मैं बाहर पोस्टेड था तो बातचीत के दौरान यह डिमांड उठती थी. हमारे जो सिख भाई हैं वो अक्सर ये कहा करते थे, और मैं खुद इस चीज के बारे में मैंने चर्चा की है कि ये जो ब्रिटिश कार्टोग्राफर्स थे, उन्होंने जब 1947 से पहले जब नक्शा पाया, तो हमारे कुछ प्लेसेस ऑफ वर्शिप बॉर्डर की इस तरफ आ गए, कुछ दूसरी तरफ आ गए. तो डेरा बाबा नानक से करतारपुर ये लहंगा खोलने की बात थी, पर ये मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2014 मई में, उस समय, और उस समय में कहा करता था अगर ये लहंगा खुलेगा तो मोदी जी की कमिटमेंट और उनकी डिसीजन मेकिंग के साथ होगा. पर उसके अलावा ये जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सर श्री दरबार साहब अमृतसर की हुई, टैक्स फ्री लंगर की बात हुई, और ये निर्णय लिए गए गुरु नानक देव जी का 550th प्रकाश पर्व, गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स की
दुनिया भर में इसका प्रचार, यह भी निर्णय लिया गया कि कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज में चेयर ऑफ गुरी साहिब टीचिंग्स होंगी। आई फेल डीपली प्रिविलेज कि बर्मिंगम यूनिवर्सिटी मुझे भेजा गया टू एट द लॉन्च ऑफ दैट चेयर। गुरु गोबिंद सिंह जी 350th प्रकाश पर्व, श्री गुरु तेग बहादुर जी 400th प्रकाश पर्व, स्लैशिंग ऑफ द ब्लैकलिस्ट 1984 में जो अत्याचार हुए, ब्रिंगिंग द परपेट्रेटर्स ऑफ दैट हीनियस क्राइम टू एक्शन एंड टू जस्टिस। जलियांवाला बाग में द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मेमोरियल, और सिख कम्युनिटी जहां पे भी रही है हिंदुस्तान में बाहर, लेंडिंग देम अ शोल्डर ऑफ सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। कुछ ही दिन पहले मैंने सोशल मीडिया में एक ट्वीट डाली, नॉट विद अ व्यू टू पॉइंट स्कोरिंग, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था कि देखिए, जब CAA लेजिस्लेशन इनैक्ट हुई तो सुस्ते देखिए कौन कौन उसका विरोध कर रहा था, और अभी वही लोग कहते हैं कि जी 2014 की जो कट ऑफ डेट है वो ठीक नहीं थी, उसको आगे करना चाहिए। पर ये मोदी जी हैं और उनकी सरकार, ये कट ऑफ डेट के बारे नहीं है, दिस इज अ सेंटिमेंट। आप देखते हैं कि हमारे बगल वाले देशों में, नेबरहुड में कुछ माइनॉरिटीज विच वर बीइंग पर्सिक्यूटेड, उनकी क्या दिशा थी। नाउ मदर इंडिया विल ऑलवेज हैव द हैंड्स ऑफ, इसके यानी कि हम एक्स या वाई कम्युनिटी के, हम सबको लेते हैं। पर उस समय फोकस था, और यही जो अभी अफगानिस्तान में हुआ, मैं उस चीज के पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, पर मैं समझता हूं somebody who's lived abroad for nearly 4 decades intermittently, I know what it is to have as a feeling that you have a home, Mother India, to which you can return. So I think वो जो सेवादार आए साहब, हिम्मत सिंह जी, कुलराज जी, और वो उनसे सुबह बात, धर्मेंद्र जी सुबह उनसे बात कर रहा था, उन्होंने दिल से मोदी जी का धन्यवाद किया, भारत माता का किया, दैट वी आर एबल टू प्रोवाइड सैंक्चुरी एंड कंफर्ट टू पीपल इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। मिनिस्टर हरदीप पुरी देयर ब्रीफिंग अबाउट द अफगानिस्तान इवैक्यूएशन, सो इट्स आल्सो गो अक्रॉस नाउ टू द बीजेपी संबित पात्रा, हु इज रिएक्टिंग टू यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे'स अरेस्ट।